ओम शांति। आज की शिक्षा प्रद कहानी का नाम है धर्म का अर्थ। कहते हैं कि एक बार एक युवक एक संत के पास गया, आश्रम में गया और संत को बोला कि मुझे धर्म क्या है वो सीखना है। तो संत ने उनको देखा और फिर कहा, अच्छा तो तुमको यहां थोड़ा रहना पड़ेगा। युवक ने कहा, मैं तैयार हूं। तो उस दिन से वो संत के पास रहने लगा। दिन बीतते गए, युवक को लगा कि संत तो शायद मुझे धर्म का अर्थ बताना ही भूल गए हैं। मैं तो इस कारण से यहां आया हूं, संत तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मुझे तो बहुत उत्सुकता है कि संत मेरे को धर्म का अर्थ बताए तो मैं घर लौट जाऊं। फिर उसने थोड़ा दिन इंतजार किया, फिर गुरुजी कुछ नहीं बता रहे थे, संत कुछ नहीं कह रहे थे। आखिर काफी दिन बीतने के बाद युवक से रहा नहीं गया और एक दिन जाकर उसने संत को कहा कि मैं आपसे धर्म का अर्थ जानने आया हूं जो आज तक आपने मुझे नहीं बताया। तो संत ने हैरानी से उसको कहा कि अच्छा, मैं तो तुम जिस दिन से यहां आया है, रुका है मेरे पास, उस दिन से उस घड़ी से तुमको धर्म का अर्थ बता रहा हूं। तो युवक को हैरानी हुई, बोला क्या बताया आपने, मुझे तो समझ में नहीं आया। तब संत ने कहा कि धर्म का अर्थ क्या है, आज आप मेरी सेवा ले रहे हो, मेरे से सेवा करा रहे हो, मुझे समय पर भोजन दे रहे हो, समय पर पानी दे रहे हो, मैं आपको रिटर्न में थैंक्स दे रहा हूं, आपका आभार मान रहा हूं, ये धर्म नहीं तो और क्या है। दिन दैने व्यवहार के अंदर, जीवन के अंदर हम जो भी कार्य करते हैं, अगर हम सभ्यता से चलते हैं, दैवी गुणों को लेकर के कर्म करते हैं, एक दो से व्यवहार करते हैं, यही तो धर्म है। अब युवक को समझ में आया कि प्रैक्टिकल धर्म किसे कहा जाता है। परमपिता परमात्मा शिव परमात्मा ने भी हमें यही बताया है कि बच्चे, धर्म का अर्थ है धारणा। किस चीज की धारणा? दैवी गुणों की धारणा, पवित्रता की धारणा। इन धारणाओं को जीवन में अपना करके चलना, अर्थात धर्म का पालन करना। तो हम ये देखें कि हम अपने जीवन के अंदर कितने दैवी गुणों को धारण कर रहे हैं और कितनी मेरी आत्मा शुद्ध पवित्र बनी है। जितना जितना आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जाएगी, उतना उतना आत्मा का जो स्वधर्म है, शांत और पवित्रता, उसमें ऑटोमेटिकली स्वतः ही स्थित हो जाएगी। ओम शांति।